देश के अंदर जो घटनाक्रम शहीदों के साथ इस देश की रक्षा के अंदर लिए जो देश के सपूतों के प्राण निछावर हुए उनको हम सब नमन करते हैं और सैल्यूट करते हैं अपनी भारतीय सेना को जिन्होंने अदम्य साहस के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा इसको लेकर के आतंकवाद की जड़ अगर कहीं पनप रही है विश्व के अंदर तो पाकिस्तान है जिसकी वजह से उसको बैकफुट पे जाना पड़ा। सिर्फ एससीबीसी की हिस्सेदारी मात्र 8% और बाकी के लोग सत्ताधारी लोगों के पास सब कुछ और हरियाणा के अंदर तो बहुत बेअदबी से जनता के साथ चीटिंग हुई धोखा हुआ। 10% लोग जो 5 मुख्यमंत्रियों के बदौलत आज सारे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। अब 52% पिछड़ा वर्ग के पास मात्र सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 की चपरासियों के लड़कों की 52% हिस्सेदारी और अफसरों में सिर्फ 6% हिस्सेदारी और दलित समाज के पास 23% की जगह 13% हिस्सेदारी और अफसर शाही और इस 13% के अंदर जिस प्रकार का तिरस्कार रोज लोगों को झेलने को मिलता है जिस प्रकार से कमजोर तबके के लोग मुंह ताक करके सरकार बनाते हैं और मुंह ताकते रहते हैं सरकार का मोदी जी को बैकवर्ड दलित समाज ने 90% वोट दिया लेकिन वोट लेने के बाद इनको भूल गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि कमजोर तबके के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और ठीक उसको पूरा करने की बजाय डंडे के आगे भूत की तरह बीजेपी नाचती रही और पूरे हरियाणा के अंदर आगजनी हुई उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से पूछा गया कि किस जाति की संख्या क्या है नौकरी कितनी है तब ये खुलासे सामने हुए। भविष्य में इस प्रकार का भेदभाव मुख्यमंत्री ना कर सकें इसलिए 100% आरक्षण एक परिवार एक रोजगार जनसंख्या के अनुपात में ये सारा सिस्टम हमारे दो के माध्यम से किसान मजदूर की कठिन रोजगार नीति के माध्यम से देश चलना चाहिए था।